स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहन लाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश, बीबीसी पड़ताल दुनिया की। ये साल 2019 के अगस्त का महीना था। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव का प्रचार जोरों पर था। राजनीतिक ताकत रखने वाले परिवार के एक पूर्व सैन्य अधिकारी गोटाबाया राजपक्षे भी मैदान में थे। 3 महीने बाद उन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। चुनाव के दौरान उन्होंने श्रीलंका के लिए जिस नए नजरिए का खाका पेश किया, उसमें खेती के लिए एक साहसिक नीति शामिल थी। इसके तहत 10 साल में खेती को पूरी तरह से ऑर्गेनिक बनाने की योजना थी। इस बेहद महत्वाकांक्षी योजना में कई खामियां थी और इसकी नाकामी श्रीलंका के मौजूदा आर्थिक संकट की एक बड़ी वजह के तौर पर देखी जा रही है। लोगों की नाराजगी और विरोध प्रदर्शनों के अटूट सिलसिले के बाद सरकार को इस पर यू टर्न लेना पड़ा। तो इस हफ्ते दुनिया जहान में पड़ताल इसी सवाल की कि श्रीलंका की बदहाली में ऑर्गेनिक नीति की नाकामी कितनी बड़ी वजह है। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की। पार्ट 1, हरित क्रांति। Agriculture is very important, particularly when it comes to employment. खेती बहुत अहम है, खासकर तब जब श्रीलंका में रोजगार की बात आती है। ये है हमारी पहली एक्सपर्ट जीविका वीराहेवा। वो श्रीलंका की पेराडेनिया यूनिवर्सिटी में कृषि अर्थशास्त्र की प्रोफेसर हैं। गोटाबाया राजपक्षे जब राष्ट्रपति चुने गए तब कृषि से जुड़े उद्योग श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। 25% of our labor force is engaged in agriculture. हमारी कुल श्रम शक्ति के 25% लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं, यानी करीब 20 लाख लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं। अगर आप सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में योगदान देखें तो पाएंगे कि अकेले कृषि क्षेत्र का योगदान 7% है। खाद्य पर आधारित उद्योग धंधों का योगदान 6% है। श्रीलंका की घरेलू खाद्य सप्लाई का करीब 80% हिस्सा देश के छोटे किसान उगाते हैं। जीविका बताती हैं कि उपज में चावल मुख्य है। चावल के अलावा श्रीलंका में सब्जियों, फलों, नारियल, मांस और अंडों का भी अच्छा खासा उत्पादन होता रहा है। वो बताती हैं कि 1960 के दशक में विकासशील देशों के लिए चलाए गए हरित क्रांति अभियान के तहत श्रीलंका में उपज बढ़ाने के प्रयास शुरू हुए। आधुनिक तकनीक इस्तेमाल की गई और पैदावार बढ़ाने के लिए बहुतायत में पोषक तत्व इस्तेमाल किए गए। हमें किसानों को ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खाद प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ा, क्योंकि अगर हम पर्याप्त मात्रा में रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते तभी हमें अच्छी फसल मिल सकती थी। ऐसे में हमने साल 1962 से किसानों को सब्सिडी देना शुरू किया। श्रीलंका में रासायनिक खाद का उत्पादन नहीं होता और 1960 के दशक से ही खाद बाहर से आयात की जाती है। छोटे किसानों पर बोझ न पड़े इसके लिए उन्हें 90% तक सब्सिडी दी गई। श्रीलंका से होने वाले कुल निर्यात में खेती की हिस्सेदारी करीब 20% थी। पर्यटन भी विदेशी मुद्रा का बड़ा स्रोत था। साल 2020 की शुरुआत में कोरोना महामारी की वजह से सैलानियों का आना अचानक रुक गया और श्रीलंका को बड़ा झटका लगा। लगभग उसी वक्त सप्लाई चेन बाधित होने से दुनिया भर में खाद की भी कमी हो गई। रासायनिक खाद से जुड़ी एक और दिक्कत थी। हरित क्रांति के बाद पैदावार तो बढ़ी लेकिन बीमारियों के मामले भी सामने आने लगे। CKDU यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज ऑफ अननोन ओरिजिन के शुरुआती मामले 1990 के दशक में सामने आए। साल 2021 तक श्रीलंका CKDU का हॉटस्पॉट बन गया। कुछ लोगों ने आशंका जाहिर की कि किसान जो रासायनिक खाद इस्तेमाल करते हैं वही इसकी वजह है। किसान जब खाद और कीटनाशक छिड़कते हैं तो सुरक्षा से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते और सावधानी नहीं रखते। हालांकि ये सिर्फ अनुमान थे, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। हालांकि ऐसे दावे किए जाते रहे। ऐसे में खेती से जुड़े लोग बिना रासायनिक खाद के खेती करके देखना चाहते थे। और तब सरकार ने तय किया कि ये
खेती में क्रांतिकारी बदलाव का वक्त है। पार्ट टू, बड़ा सपना। ये करीब एक साल पहले की बात है जब हमने टीवी पर राष्ट्रपति का ऐलान सुना कि वो कृत्रिम खाद और कीटनाशकों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। ये है हमारे दूसरे एक्सपर्ट प्रोफेसर बुद्धि मरांबे। वो श्रीलंका की पेरेडोनिया यूनिवर्सिटी में कृषि वैज्ञानिक हैं। वो कहते हैं कि जब लोगों को ये कहा जाता है कि खाने पीने के सामान में जहरीले पदार्थ हैं जो उन्हें और उनके बच्चों को बीमार बना सकते हैं, तो वो चिंतित हो जाते हैं। राष्ट्रपति राजपक्षे ने बीते साल अप्रैल में घोषणा की कि नई नीति के जरिए वो स्वास्थ्य से जुड़ी इन चिंताओं का समाधान करेंगे। सरकार ने रासायनिक खादों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। देश के तमाम खेत 100% ऑर्गेनिक यानी कि पूरी तरह से जैविक खाद पर निर्भर होने जा रहे थे। मरांबे बताते हैं कि उस वक्त इस नीति पर सवाल भी उठे, लेकिन कुछ लोगों ने राष्ट्रपति के मन में बैठा दिया कि आगे बढ़ने का यही एक रास्ता है। There were people from medical sciences, there were people from agriculture sciences as well. इनमें से कुछ मेडिकल एक्सपर्ट थे, कुछ कृषि वैज्ञानिक थे, निजी क्षेत्र के कई ऐसे लोग भी थे जो श्रीलंका में एक खास स्तर पर ऑर्गेनिक खेती कर रहे थे। ऑर्गेनिक उत्पादों की दुनिया में काफी अच्छी मांग है। मरांबे कहते हैं कि तब बताया गया कि श्रीलंका को काफी विदेशी मुद्रा हासिल हो सकती है, लेकिन असल मुद्दा स्वास्थ्य था। श्रीलंका में चाय और सब्जी उगाने वाले किसान छोटे पैमाने पर कई साल से इस तरह की खेती कर रहे हैं। मरांबे कहते हैं कि इस बार बदलाव ये था कि पूरे ही देश को ऑर्गेनिक कर दिया गया। क्या सरकार रासायनिक खाद के आयात बिल को कम करना चाहती थी? मरांबे ने इस सवाल का भी जवाब दिया। At the time the decision was taken, this factor was never brought forward. जिस वक्त ये फैसला लिया गया तब ये कारण कभी सामने नहीं रखा गया, इस पर चर्चा तक नहीं हुई। एक वैज्ञानिक के तौर पर सोचें तो ये कारण हो सकता है, वो विदेशी मुद्रा के जिस संकट से जूझ रहे थे उसे देखते हुए ये एक छुपी वजह हो सकती थी। श्रीलंका ऐसा पहला देश नहीं है जिसने पूरी तरह से ऑर्गेनिक होने की कोशिश की हो। साल 2014 में भूटान ने भी ऐसा ही ऐलान किया था। मरांबे बताते हैं कि भूटान ने लक्ष्य हासिल करने के लिए 6 साल का वक्त तय किया था। वो इसके लिए साल 2003 से तैयारी कर रहे थे, लेकिन भूटान मुश्किल में घिर गया। श्रीलंका में भी विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे थे, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया। सरकार ने जब ये फैसला किया, हम तभी से बताते रहे कि सरकार ने गलती कर दी है। मैंने और अलग अलग विश्वविद्यालय के दूसरे कृषि वैज्ञानिकों ने महामहिम को पत्र लिखा, उनसे सिर्फ आधे घंटे का समय मांगा ताकि हम इस पर चर्चा कर सकें, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी बात नहीं सुनी गई। तब पूरी दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही थी। पर्यटकों के नहीं आने से श्रीलंका की आर्थिक स्थिति चरमरा रही थी। इस बीच ऑर्गेनिक क्रांति ने स्थिति को और मुश्किल बना दिया। पार्ट थ्री, मुसीबत का पहाड़। इस ऐलान ने किसानों को हैरान कर दिया, बाकी देश को भी हैरत में डाल दिया। ये है हमारी तीसरी एक्सपर्ट सलोनी शाह। वो कैलिफोर्निया स्थित ब्रेकथ्रू इंस्टीट्यूट में खाद्य और कृषि विशेषज्ञ हैं। सलोनी बताती हैं कि देश के पास जरूरत के मुताबिक जैविक खाद पैदा करने की क्षमता नहीं थी। दुनिया में तय मानक बनाए रखने के लिए ऑर्गेनिक उत्पाद की समय समय पर जांच जरूरी है, लेकिन वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं थी। वहाँ कोई ऐसा नियामक ढांचा नहीं था जहाँ किसानों को सलाह मिल सके कि उन्हें किस तरह की ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी खाद सुरक्षित है, क्या और कैसे किया जाना चाहिए। इसे लेकर किसानों को समुचित तकनीकी सहायता और सलाह भी नहीं दी गई। जल्द ही साफ हो गया कि किसानों की उपज घट रही है, उनके रोजगार और आमदनी पर भी संकट छा गया। श्रीलंका में चावल की दो फसल होती हैं।
पहला येलो सीजन मई से सितंबर तक होता है। चावल की फसल के लिहाज से जो प्रमुख सीजन है उसकी शुरुआत सितंबर में होती है और ये मार्च में खत्म होता है। चावल की मुख्य फसल के दौरान पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं थी। श्रीलंका के किसानों पर इसका असर हुआ, उन्हें अब खाद पर सब्सिडी भी नहीं मिल रही थी। ऐसे में फसल को 40% नुकसान का अनुमान लगाया गया। ऑर्गेनिक प्लान लागू होने के कुछ ही महीनों में फेल होने लगा और लोग गुस्से में उबलने लगे। सलोनी शाह बताती हैं कि खाने के सामान की कमी होने लगी, दाम बढ़ने लगे और इस नीति के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन होने लगे। देश में खाद्य संकट खड़ा हो गया। स्थिति संभालने के लिए श्रीलंका सरकार को भारत और म्यांमार से 40 लाख मीट्रिक टन चावल मंगाना पड़ा। ऑर्गेनिक नीति की नाकामी उजागर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी बीते साल नवंबर में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने ग्लासगो के COP26 सम्मेलन में ऑर्गेनिक खेती को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। लेकिन कुछ ही हफ्ते बाद उनकी सरकार यू टर्न लेने को मजबूर हो गई। वो ये करने पर मजबूर हो गए। उन्होंने इसका कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया। नवंबर के आखिर में सरकार ने प्रतिबंध पर आंशिक छूट दे दी और रासायनिक खाद आयात करने की अनुमति दी। ये छूट चाय, रबड़ और नारियल जैसे निर्यात होने वाली अहम फसलों के लिए थी। ये विदेशी मुद्रा के लिए अहम फैसले हैं। इसके जरिए करीब $1.3 अरब की रकम मिलती है। लेकिन तब तक श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को बड़ी चोट लग चुकी थी। पार्ट 4, संकट में श्रीलंका। This is a case of a man-made disaster. ये इंसान की पैदा की गई त्रासदी का केस है। इससे बाहर आने में बरसों का वक्त लग सकता है। हमारे चौथे एक्सपर्ट डॉक्टर अहिलान कादिगमार श्रीलंका की जाफना यूनिवर्सिटी में समाज शास्त्र के सीनियर लेक्चरर हैं। ऑर्गेनिक खेती का फैसला फेल हुआ और श्रीलंका का वित्तीय संकट बढ़ गया। डॉक्टर अहिलान कहते हैं कि ये झटका महामारी के दौरान लगा। इसी दौरान श्रीलंका का केंद्रीय बैंक $51 अरब का विदेशी कर्ज चुकाने में नाकाम रहा। श्रीलंका में जरूरी सामान की भी भारी किल्लत होने लगी। With the war in Ukraine, commodity prices in general have gone up. यूक्रेन युद्ध की वजह से जरूरत के सामान की कीमतें तेजी से ऊपर चली गईं। खाने का सामान भी लोगों तक नहीं पहुंच सका। सप्लाई के पूरे ढांचे पर दबाव बढ़ गया। खाद पर लगाए गए प्रतिबंध ने कृषि सामान की सप्लाई चेन को चरमरा दिया। ईंधन आयात की क्षमता प्रभावित होने से श्रीलंका में घंटों बिजली कटौती होने लगी। डॉक्टर अहिलान बताते हैं कि 1930 के दशक की अकाल और मंदी के बाद से श्रीलंका ने संकट का ऐसा दौर नहीं देखा था। श्रीलंका ने भारत और चीन से मदद मांगी। भारत ने तेल, खासकर डीजल और पेट्रोल खरीदने के लिए $50 करोड़ की क्रेडिट लाइन दी। सब्जी, चावल और दवाओं जैसा जरूरी सामान खरीदने के लिए $1 अरब की क्रेडिट लाइन दी। इसके जरिए श्रीलंका का 1 या 2 महीने का काम निकल सकता है, लेकिन इससे लंबे वक्त के लिए समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। श्रीलंका में रासायनिक खाद पर लगी पाबंदी भले ही हटा ली गई, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है। भारी आर्थिक संकट और लोगों के बढ़ते गुस्से का असर लगातार दिखा। पहले मंत्रियों और फिर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। रानिल विक्रमसिंघे 6ठी बार प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर अहिलान के मुताबिक किसान बताते हैं कि उनके नुकसान की भरपाई बेहद मुश्किल है। ऑर्गेनिक खेती के प्रयोग को लेकर भी वो अपनी राय रखते हैं। मुझे लगता है कि खेती के कई विशेषज्ञों को लगता था कि शायद हम रासायनिक खादों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें इसकी मात्रा घटानी चाहिए। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि अचानक पाबंदी लगा दी जाएगी या फिर रासायनिक खादों का प्रयोग पूरी तरह बंद करना संभव होगा। ये धीरे धीरे कई दशकों के दौरान किया जाना चाहिए था। इसे रातों रात बंद करना बड़े संकट की वजह था। लौटते हैं उसी सवाल पर कि श्रीलंका की बदहाली में ऑर्गेनिक खेती की नाकामी कितनी बड़ी वजह है। ये साफ है कि कुछ आर्थिक दिक्कतें श्रीलंका के काबू के बाहर हैं,
लेकिन रासायनिक खादों पर पाबंदी आत्मघाती गोल की तरह थी। ये नीति लागू करते वक्त मूलभूत बातों को नजरअंदाज किया गया। प्राकृतिक खादों की कमी, किसानों की तैयारी के लिए कम वक्त मिलना और उपज कम होने की स्थिति में कोई भरपाई की योजना भी तैयार नहीं की गई। ये दूरदर्शी नीति नहीं थी और श्रीलंका में इसके नतीजे लंबे वक्त तक दिखते रहेंगे।